आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एशिया कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले सभी खिलाड़ियों के बारे में। बता दें कि 2018 का एशिया कप टीम इंडिया ने जीता था। उस टूर्नामेंट में बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। उन्होंने 5 मैचों में 68.40 की औसत से 342 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से हांगकांग के खिलाफ 127 और पाकिस्तान के खिलाफ 114 रनों का शतक निकला था। 2016 में 5 मैचों में 176 रन बनाने के बाद बांग्लादेश के सब्बीर रहमान प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। श्रीलंका के लाहिरू थिरीमाने ने 2014 में 279 रनों के साथ इस अवार्ड को अपने नाम किया था। 2012 के टूर्नामेंट में बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। उन्होंने 4 मैचों में 237 रनों के साथ साथ 6 विकेट भी झटके थे। एशिया कप 2010 में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को 265 रन और 3 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज अजंता मेंडिस ने 2008 के टूर्नामेंट में 17 विकेट और 40 रनों के दम पर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल किया था। 2004 में 293 रन और 4 विकेट के साथ श्रीलंका के सनत जयसूर्या इस अवार्ड से पुरस्कृत किए गए थे। वहीं 2000 में 295 रन बनाने वाले पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। 1984 में भारत के सुरिंदर खन्ना ने 2 मैचों में 107 रनों के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था। नवजोत सिंह सिद्धू 1988 और 1995 के एशिया कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। 1988 के टूर्नामेंट में सिद्धू ने 4 मैचों में 179 और 1995 में 4 मैचों में 197 रन बनाए थे। वहीं श्रीलंका के अर्जुना रणतुंगा ने 1997 में 4 मैचों में 272 और 1986 में 3 मैचों में 105 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था।